pretty. और ये छोटे छोटे इन्होंने हट्स बनाए हुए हैं और ये पूरा ये जगह इन्होंने ब्लॉक की हुई है क्रिसमस के लिए। यूरोप वैसे फेमस है क्रिसमस की डेकोरेशन वगैरह के लिए, सेलिब्रेशंस के लिए। ये देखें, ये देखें, यहाँ पे आप कुछ ऑर्डर करें। हाँ, हॉट। और ये देखिए, ये स्टॉल्स लगे हुए खाने पीने के, आप यहाँ पे ऑर्डर कर सकते हैं। ये देखिए, ये क्रिसमस मार्केट बोलते हैं, जो कि क्रिसमस के दिनों में ये मार्केट लगी होती है। मैं यहाँ पे आपको ये डेकोरेशन दिखाती हूँ नज़दीक से। ये बहुत प्यारी डेकोरेशन है और यूनिक डेकोरेशन है। ये डेकोरेशन मैंने शायद फर्स्ट टाइम देखी है। ये देखें, चढ़नियाँ बनी हुई हैं और वुडन की चढ़नियाँ सारी, ये सारी डेकोरेशन वुडन है। ये कैमल्स देखें, इतने क्यूट कैमल्स हैं। ये देखें, ये सारी जो मार्केट है ना, जो इस हट के अंदर है, ये सारी लकड़ी की चीज़ें बनी हुई हैं और बहुत अमेजिंग। ये देखें, इन्होंने ये पूरे सर छोटी छोटी चढ़नियों में पूरी स्टोरी बताई हुई है। और ये एंजल्स देखें, कितने क्यूट हैं। ये हांडियों के लिए चम्मच है, ये हमारी अम्माओं के काम आ सकते हैं, लकड़ियों के। और वैसे भी लाइफ में आप किचन के लिए आप लकड़ी की चीज़ें यूज़ करें, ये चम्मच वगैरह, ये प्लास्टिक के चम्मच वगैरह अनहेल्दी होते हैं और आपकी हेल्थ के लिए अच्छे नहीं होते। ये हॉट वाइन है, मैं हॉट वाइन फर्स्ट टाइम ट्राई करने लगी हूँ। और ये ग्रेप्स, प्योर ग्रेप्स की बनी होती है और इट्स टू हॉट। तो यहाँ पे अगर आपने कुछ ऑर्डर करना, तो ये इन्होंने ये ड्रम से बनाए हैं, तो यहाँ पे खड़े होकर आप खा पी सकते हैं और अपना टाइम एंजॉय कर सकते हैं। आपको मैं ये कैंडी वाले स्टॉल पे लेके आई हूँ। यहाँ की आपको मैं कैंडीज़ दिखाती हूँ, डिफरेंट कैंडीज हैं और इतनी क्यूट लग रही हैं कैंडीज़, आपको मैं दिखाती हूँ। ये देखें, ये डच में लिखा माइन बेबी, और इन्होंने सारा ये जगह का नाम है कॉबलेंस और आई लव यू। थोड़ी थोड़ी डच मैं पढ़ लेती हूँ और बोल लेती हूँ, इतनी ज़्यादा तो मैं अच्छी नहीं बोल सकती। ये सारी कैंडीज़ हैं और ये देखें, हाय, ये सारी कैंडीज़ हैं। ये देखें, ये बच्चे की बहुत फेवरेट चीज़ हो गई। आराम लग रहा है और उनके बच्चे देखो कितने आराम से बैठे हैं। और हमारे बच्चे ये ट्रेन जो चला रहा है ना, उसको भी साथ साथ पागल करते हैं और ट्रेन को भी, ये ऐसे आराम से नहीं बैठे होते। और वाइन वगैरह पिए हैं, उसके बाद खाना खाएंगे, देखते हैं शॉपिंग वगैरह। क्रिसमस है तो शॉपिंग तो लाजमी बन जाती है। और अभी ईदी भी मिलेगी मुझे, क्रिसमस ईदी है ना सनी, दे रहे हैं ना ईदी मुझे, और ईदी भी मिलेगी। देखती हूँ कितने मुझे पैसे मिलते हैं, वो भी मैं शेयर करूँगी अपनी वीडियो में कि मुझे कितनी ईदी दे रही है। बट मुझे हमेशा ईदी अच्छी खासी मुझे मेरा हस्बैंड देता है और मैं एक्साइटेड होती हूँ ईदी के लिए। तो लेट्स शोका पन्नी, एक्साइटेड होती है ईदी के लिए। ये देखें, ये ना रिवर के सामने ये रेस्टोरेंट बना हुआ है जिधर अभी हम खाना खाएंगे। और ये रिवर इतना प्यारा है और बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। अभी तो बहुत ज़्यादा ठंड है उस तरफ, तो मैं पानी के पास नहीं जाऊंगी, तो अभी हम रेस्टोरेंट में जा रहे हैं। इस रेस्टोरेंट में हम खाना खाएंगे, ये यहाँ का बहुत फेमस खाना है और ये इटालियन खाना है जो कि हम अभी खाएंगे। इट्स अ इटालियन फूड एंड इट्स अ इटालियन रेस्टोरेंट। और इसकी डेकोरेशन आप देखें,
इतनी प्यारी डेकोरेशन हुई हुई है। दिस इज द सांता क्लॉस, ये देखें। तो हम लोग अभी जा रहे हैं खाने के लिए। ये टेबल मिल गए। वो बच्चा ना, वो ना उधर के कोयले खा रहा है, और मेरे हस्बैंड ने उसकी अम्मा को बोला कि वो बच्चा खा रहा है, तो प्लीज़ आप उसको देखो। वो देखें, वो पकड़ पकड़ के वो मिट्टी खा रहा। ओह माय गॉड। ये हमारी ड्रिंक अभी भी आई है, और हमने खाना ऑर्डर कर दिया यहाँ पे। यहाँ पे आपको सब कुछ इटालियन मिलेगा। हम स्पेशली इस जगह पे सिर्फ डेकोरेशन की वजह से आए। यहाँ पे डेकोरेशन इतनी ब्यूटीफुल है कि आपकी नज़रें नहीं हटेंगी इस डेकोरेशन से। गाइस, मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ, मेरी भी अभी नज़र अभी गई है। ये रेस्टोरेंट के अंदर इन्होंने कपड़े लटकाए हुए हैं, और रस्सियाँ थे कपड़े फोले हुए नहीं। और मैं कुछ शौक हूँ कि ये इन्होंने अंग्रेज़ों ने अपनी तरफ से ये डेकोरेशन बनाई हुई है। और हमारे पंजाबियों में ऐसे आपको घरों में कपड़े मिलेंगे, हर जगह मिलेंगे, बट ये डेकोरेशन तो फर्स्ट टाइम मैं देख रही हूँ। अच्छा, कपड़े के नाल जूते भी लटकाए हुए हैं इन्होंने, ऐसे जूते भी लटके जे, छोटे छोटे बच्चियों के कपड़े। दिस इज सो डिफरेंट। ये देखिए, इन दोनों भाइयों में कितना प्यार है। ऐ वड्डा भरा है, छोटा भरा है, और कहने ने असि खुश हवा ते रज के पियांगे अज। इनके इर्द गिर्द बॉटल्स पड़ी हुई हैं, और ये देखें, ये क्रिसमस केक्स है। मेरे हस्बैंड अपने बाल सेट कर रहे हैं, टोपी उतारी है, और बालों के मार सकते हैं। तो ये मेरा पास्ता है, मैंने सी फूड पास्ता ऑर्डर किया था, और मेरे हस्बैंड ने पिज़्ज़ा किया था। इटालियन रेस्टोरेंट में आपको यही मिलेगा, पास्ता या पिज़्ज़ा होते हैं इनके। तो आज हमारा इटालियन खाने का दिल कर रहा था, तो अब हम अपना खाना स्टार्ट करने वाले हैं। आप लोगों ने खाना है तो आप लोग भी आ जाए हमारे साथ, और इसके बाद हम बताते हैं आगे क्या करना है। एक हमारी डिश आई है, ये हमारा इटालियन पिज़्ज़ा आया है। आप इसको ये जला हुआ नहीं कहना, ये इन्होंने इटालियन स्टाइल में कुछ पिज़्ज़ा बना के ऐसा दिया है। ये लकड़ियों पे बनता है, ये लकड़ियों पे बनता है जी, मेरे हस्बैंड कह रहे हैं लकड़ियों पे बनता है। तो ये पिज़्ज़ा इनका ट्रेडिशनल पिज़्ज़ा है।